are you all and welcome to my YouTube channel. And in this video we are going to make an expression detection which is going to be very exciting. And without wasting the time, let us start the video. So before starting, I would like to say to you all, so puri video end tak dekhna guys, bilkul bhi skip mat karna, otherwise you won't be able to understand. Okay, so video will be very short, zyada badi video nahi hai, so watch it till end. And before watching, do like, subscribe, share, and even don't forget to comment on my channel in the comment section and share it to maximum people. Okay, so now let us start the video. So before starting, you all guys know what to do. The steps is you need to remove the sprite. Okay, you can even take one box sprite which I'm going to show you now. See, here it is. Ye square box, ye sprite bhi aap choose kar sakte ho. Okay, so now let us start with the code. So first you need to make a block name like this. Wait, expression. Okay, the x e should be capital, and in middle you need to put underscore, and then D should be capital, detection. Okay, detection, expression detection, this way. And just okay, so maine just aapko dikhane ke liye yahan par banaya hai, maine already bana kar rakha hua hai. So now let us start with the code. So take when flag click, kyunki jab ye aap karenge to ye already work hoga, otherwise it won't be work. So when flag clicks is very must. And now let us start with our code. So this you all know that for the face detection, for the expression detection, you need to take an extension which is very important. So for that we go on the left corner, so that you will have to search for the extension face detection and add the same. And then yahan se aapko kya karna hai, turn on वीडियो विथ जीरो ट्रांसपेरेंसी. ओके, सो मैं आपको मेरा कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट वन सेकेंड. गाइज हेलो. सो या, तो गाइज मैं आपको एक बार इसको ना ये करके देखते हैं. इफ सपोज मैं इसको ज़ीरो नहीं रखूँगी, मैं इसको ना थोड़ा सा मतलब बढ़ा दूँगी. सपोज फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरो से हटा के 16 रख रही हूँ, एंड लेट्स सी, ये ब्लर होने लगता है गाइज. ओके, एंड इसको मैं अगर ना अगर मैं इसको इंक्रीज करती रहती हूँ, एंड ये ब्लर होने जाता है. ओके, ब्लर होते रहता है. एंड गाइज इफ अगर मैं इसको 100 करती हूँ, एंड लेट्स सी कि ये क्या होता है. गाइज एक्चुअली मेरा फेस यहाँ पर दिख रहा है, बट ये बहुत ही यू नो मतलब एक ब्लर सा हो जाता है, विच यू कॉल इट ओपेक. इसे ओपेक कहते हैं, या आई थिंक ओपेक, यस ओपेक ही कहते हैं इसको. एंड इसको अगर ना आप अपने हिसाब से रख सकते हो, प्लस ट्रांसपेरेंसी. सो आप जितना क्लियर रखते हो ना, उतना ये ओके रहता है विथ ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी. ओके, एंड देन लेट अस सेलेक्ट द नेक्स्ट. ओके, सो मैं यहाँ से रीसेट क्लास ले रही हूँ. मैं रीसेट क्लास क्यों ले रही हूँ, फॉर सपोज इफ यू आर डूइंग, जब हम व्हेन फ्लैग क्लिक के टाइम पे जब हम करते हैं, सो क्लियर स्लेट के टाइम पे, तो तभी आपको क्लियर ऑल बहुत ज़रूरी होता है. क्यों क्लियर ऑल ज़रूरी होता है, क्लियर ऑल मतलब इरेज ऑल. ओके, तो वो क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा थिंग जो भी बच जाता है स्क्रीन पे, वो क्लीन हो जाएगा ऑलरेडी, एंड अपना प्रोग्राम जो है आप बहुत ही नीट तरीके से स्टार्ट कर सकोगे. सो दैट इज़ वाई वी नीड दैट. बट यहाँ पे क्या, अब हमें एक दूसरा एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, हम पेन एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहे. सो इस एक्सटेंशन में हम रीसेट क्लास लेंगे, क्योंकि जो भी बैकग्राउंड मतलब बैकड्रॉप वगैरह में जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा, और हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से चलेगा. ओके, सो या रीसेट क्लास, एंड देन वी आर टेकिंग दिस सेट डिटेक्शन थ्रेशोल्ड टू. यहाँ पर आपको मिल जाता है ये, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो वी आर पुटिंग 0.9, एंड देन आप किस मतलब किससे आप मतलब एनालाइज कर रहे हो अपनी इमेज, ऑब्वियसली कैमरे से. ओके, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सप्रेशन डिटेक्शन, मतलब वो कैमरा हमें एनालाइज कर देगा. ओके, so that is why we are taking analyze image from camera. Okay, from camera,
एंड अगर आप स्टेज से करें तो स्टेज, बट कैमरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आपको गो टू एक्स लेना होता है, बिकॉज सपोज हमारा स्प्राइट जो है वो कहाँ पे भी यू नो चलता है, मतलब इधर भी आता है इधर भी आता है, सो कौन से भी इस पे फेस पे डिटेक्ट होने लगता है. सपोज ये अगर पीछे है तो मतलब ये वॉल है, ओके मतलब पीछे का कुछ मतलब होगा नहीं डिटेक्शन, फेस का डिटेक्शन चाहिए. सो दैट इज़ वाई गो टू एक्स, एक्स पोजिशन ऑफ फेस वन, एक्स पोजिशन हमारी फेस एक्स, अगर हम इधर भी ऐसे करेंगे देन ऑल्सो वो टॉपी डिटेक्ट कर देगा, अगर मैं अपने राइट साइड भी मूव करूँगी तो भी टॉपी डिटेक्ट कर देगा. ओके सो एक्स पे गेट एक्स पोजिशन ऑफ फेस वन, यहाँ पे आप देखेंगे गेट एक्स पोजिशन ऑफ फेस वन एंड गेट वाई पोजिशन ऑफ फेस वन. ओके एक फेस है, इफ़ यू आर डिटेक्टिंग वन स्पेस वन फेस सो यू नीड टू पुट वन फेस, इफ़ यू डिटेक्टिंग टू देन टू. ओके एंड यहाँ पे तो जैसे ये मतलब यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए ना कि मतलब हम सैड है या हैप्पी है, तो एक तो मैसेज आना चाहिए. सो अगर हम सेम अगर हम लुक्स में जाते हैं एंड अगर हम से सेलेक्ट कर रहे हैं सो क्या होगा, से पे हेलो आएगा. लेट्स सी क्या होता है, वो जस्ट हेलो बोलेगा. यस वो सिर्फ हेलो बोलेगा. ओके वो सिर्फ हेलो बोलेगा एंड सो वो एक्सप्रेस मतलब वो उसका जो फेस है उसको डिटेक्ट करने के लिए वी आर टेकिंग से हेलो और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, गेट एक्सप्रेशन ऑफ फेस वन. दिस ब्लॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड गाइज अगर मैं ये नहीं डालती यहाँ पे तो नाउ लेट्स सी पहले क्या होता है, पहले क्या देखते हैं, ये मेरा कोई भी एक्सप्रेशन डिटेक्ट नहीं कर रहा है. सो फॉर दैट इसको डिटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको कंटिन्यूसली डिटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी एक्सप्रेशन डिटेक्शन, मतलब जो डिफाइन में से है इसी को हम फिर से डिफाइन करना वेरी ज़रूरी है. तो क्या करते हैं अभी एक बार अभी देखते हैं इसको पहले वर्क हो रहा है या नहीं. सो लेट अस सी, आपको मतलब आप थोड़े से ऐसे हंस रहे हो देन वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, आपको मतलब फुल्ली स्माइल करना है. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. As you all guys can see, it is saying happy. And if I made the look of, अगर मैं ऐसे चुप रुकती हूँ then let's say neutral. Yes, तो ये neutral दिखा रहा है. And if you are making the face of sad, yes, ये सैड दिखा रहा है. बट डोंट यू थिंक गाइस कि आप ये टॉबी का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यू नो. एक काम करते हैं, इस टॉबी के साइज़ को ही हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं. ओके इस टॉबी के साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेंगे एंड जस्ट विल सी. ओके ये हो तो रहा है अच्छी तरीके से, बट वी वॉन्ट इट, we can also hide it if we don't want. नहीं क्योंकि ये work नहीं होगा, right? So toby रहना बहुत ज़रूरी है, so we can keep it here. Okay, so अब हमने इसका size भी है वो छोटा कर लिया है, so now let us detect a face. And suppose if I'm doing sad, yes. And if you're doing a surprise face, so before doing surprise face, I would like to tell you all that you have to lift your eyebrows completely. And अगर आप ऐसे ही just कर रहे हो then वो happy भी दिखा सकते हैं. So lift your eyebrows like you're surprised. Let's check it again. Can you all guys see कि वो अभी सरप्राइज दिखा रहा है. एंड अगर मैं थोड़ा सा स्माइल करती हूँ लेट्स सी ये कैसे दिखाता है.
न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल दिखा रहा है. सो अगर आप ऐसे नॉर्मल रुकते हो तो वो नल दिखाएगा. ओके सो दिस इज़ द कोड. अगर आपको इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है आप बाद में भी कर सकते हो. जस्ट कभी भी कौन से भी कोड को बाय हार्ट करना अच्छा नहीं होता. आप इसको ना अगर आप यू नो समझ के करते हो देन यू कैन डू. आप कौन सी भी जगह पर हो आप खुद भी कर सकते हो. सो अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा. सो दिस इज़ द कोड. जस्ट आप कॉपी पेस्ट मत करो विच आई एम टीचिंग हियर. एंड यू कैन इवन आस्क मी योर डाउट्स एंड या एंड गाइज. मतलब मैं आपको बहुत ही दिन बाद मिल रही हूँ. मतलब ये अभी नया भी साल आ चुका है. सो लाइक फेस भी मैंने अपना मतलब शो कर दिया है आप लोगों के सामने. एंड बिकॉज ये आप लोगों को मुझे समझाना था दैट इज़ वाई. ओके सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड या डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. So I'll meet you in my next video. Till then, bye guys. Allah Hafiz.